साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई वी से रिलेटेड। जी हाँ, वी की दो अच्छी अपडेट हैं, दोनों में आपको कुछ फायदा मिलेगा देखने में। पहली हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल पासपोर्ट है, बहुत सारे लोगों का विदेश में एक्सपायर हो जाता था, खासतौर से दुबई की हम बात करें तो आपके लिए दुबई एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने ये सुविधा स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सेकेंड, एक इंडिया दुबई में एक महिला की ईमानदारी, पुलिस ने उसको किया सम्मानित। जी हाँ, दोनों अपडेट पे रिलेटेड बात करेंगे। भैया ये ईमानदारी का तमका आप भी ले सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाए पुलिस स्टेशन में दीजिए, आपकी फोटो भी आएगी अंकली अखबार में और आपको एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, जो आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। दोनों पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें भाई, ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, वी एम्बेसी ने भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक न्यूज दी है, लगभग दो चार दिन पहले की न्यूज में बता रहा हूँ आपको। दुबई इंडिया का जो इंटरनेशनल लाइसेंस, आपको पता है आजकल थोड़ा सा डिजिटल लाइसेंस जिनको बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपायर हो रहा था विदेश में, अगर आप काम कर रहे हैं एक्सपायर हो जाता, आप जब भी आप छुट्टी आते तो उसको रिन्यू वगैरह करवाना आपको एक झंझट हो रहा था। हालांकि इस पे मैंने एक 5-6-7 महीने पहले भी वीडियो बनाया था कि सरकार ये नियम करने जा रही है और अभी वे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है इंडिया का, वो एक्सपायर हो रहा है, तो आप इंडिया, आपके नियर में इंडिया की जो ऑफिस है, इंडियन एम्बेसी है, वहां पे आपको जाना होगा। ठीक है, और वहां पे आपको मैं बता दूं, प्रत्येक संडे, एक रविवार और बृहस्पतिवार को जाना होगा। इस बात का दो ही बार है भाई, रविवार और बृहस्पतिवार को। जी हाँ, आपको भारतीय दूतावास में जाना होगा, सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का इसमें टाइम रहेगा। जी हाँ, साथ में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट और इंटरनेशनल जो लाइसेंस है आपका, वो आपको साथ में लेके जाना होगा, और 40 दराम यानी 40 दराम आपको साथ में लेके जानी होगी। जी हाँ, जिसमें मैं बता दूं 8 दराम इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर में जमा होगी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, बाकी उनकी फीस रहेगी। 40 दराम आपको देना होगा और आपका लाइसेंस वहीं का वहीं इंडियन एम्बेसी रिन्यू करके पकड़ा देगी। ये अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए है। इंडिया आते धक्के खाते, आपको टेंशन होती, झंझट खत्म, वे वालों के लिए खासतौर से अच्छी न्यूज है ये। आगे हम बात कर लेते हैं, शारजा पुलिस ने एक महिला को सम्मानित किया। जी हाँ, महिला अपनी ऑफिस में डेस्क पे बैठी थी, उसके नीचे उसने देखा कि कुछ पैसे पड़े हैं, देखिए तो 10,000 दुबई दराम निकले। उसने वहां पे इंतजार किया कि भाई जिसके गिरे क्या पता वो वापस आ जाए, हो सकता है वो अपनी तरह कुछ रहा होगा, उसने ध्यान ही नहीं दिया, पता लगे बाद में देखा होगा। तो उसने अपने नियर थाने के में गई, वहां पे उन्होंने ये कंडीशन बताई कि ये पैसे मुझे मिले, उन्होंने जमा करवा दिया। तो भाई पुलिस ने फिर उनका वो पैसे लिए, ठीक है, और फिर उनको सम्मानित भी किया वहीं का वहीं। आपको बता भी है कि पुलिस तो वैसे भी एक्सपर्ट है इन चीजों में, उनको सम्मानित किया बाकायदा। ये पुलिस ने फिर अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये न्यूज डाली थी, उसकी फोटो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पुलिस ने उनको सम्मानित किया, पुलिस फिर खोजबीन में लग गई भी ये पैसे किनके हैं, जैसे वो रियल जो उनका मालिक होगा मिलेगा तो उनको पैसा लौटा दिया जाएगा। तो ये अच्छी न्यूज है, तो ये आपको भी ये करना चाहिए, कोशिश करें कि आपको भी ये पैसे मिले, आप भी ईमानदारी दिखाए, वो पैसा वहां जमा कराए, आपकी भी फोटो आए, इंडियन आदमी, अच्छी बात है यार, खुशी की बात होनी चाहिए, कोशिश करिए आप। ठीक है, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।